रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में रविवार को आईएमए के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक रामसेवक गौतम ने बताया कि आईएमए के द्वारा पुलिस लाइन के महिला प्रशिक्षु रिक्रूट आरसीओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि डॉक्टर द्वारा महिला आरसीओं का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे आगे किसी तरह की समस्या हो तो वे कार्ड दिखाकर उपचार करा सकती हैं। इस अवसर पर पुलिस लाइन के आरआई उमेश दुबे, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी, डॉक्टर बबीता शुक्ला, डॉक्टर अरुणा छापरिया, डॉक्टर अंजू जैन, डॉक्टर मधुबाला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम तथा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, कैसे बरतनी है अपने देखभाल के लिए, अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, और हमारी जीवन प्रत्याशा 100 साल अवश्य रहे। 100 साल तक हमारे शरीर में किसी प्रकार की मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग बिल्कुल ऊर्जावान रहें और सबल रहें, मजबूत रहें, किसी प्रकार का कोई रोग ना आए। तो ये सारी टिप्स अभी बताए और किस तरह से हमारे चिकित्सकों ने भी उसको योग से भी जोड़ा कि जिस तरह से योग वैसे चिकित्सा को, तो आप सभी का अभी हेल्थ चेकअप भी होगा। 5 साल की उम्र है लोगों की औसत उम्र, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे वहाँ इसलिए अपने आप को कार्यों के अतिरिक्त समय निकाल करके फिट भी रखना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसके लिए कैसे खाना खाना है, क्या दिनचर्या होगी, कैसे जो है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाए, मानसिक रूप से फिट रखने के लिए क्या किया जाए, कैसे अपने जो है योग भी करें, प्राणायाम भी करें, ध्यान भी करें, और साथ ही साथ जो है फिजिकल फिटनेस के लिए जो अन्य एक्सरसाइज आवश्यक एक्सरसाइज है उसको भी करें। अभी बात को संक्षेप में रखें, तो निश्चित तौर से मैं अभी हाल में घटे ऐसे तो बहुत है, जो गोरखपुर के लोग हैं वो सभी जानते होंगे, बहुत सारे प्रकरणों को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अभी हाल में ही एक लूट कांड हुआ शहर में जो आपके सभी के चर्चा में आया होगा, और उसको जो है मैं पर्सनली अपनी टीम के साथ एसएसपी साहब से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका शीघ्र पर्दाफाश होगा, और उन्होंने बहुत जल्दी से उसका पर्दाफाश किया बहुत अच्छी तरीके से, और हम लोग को जिस तरह से समझाया, मैं उससे शायद उम्र में बहुत छोटे हूँ लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखने की कोशिश की। जिस तरह से उन्होंने इस चीज प्रकरण को सुलझाया, मैं उनको यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी भी उसमें इन्वॉल्व थे, वो भी इस लूट कांड के बारे में वो जानने की कोशिश करते रहते। सोचिए आप प्रदेश का मुखिया, एक शहर के छोटी सी, उनके लिए शायद एक बहुत छोटी सी घटना नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान लिया क्योंकि इस शहर के भी हम लोगों के मुखिया हैं, और उन्होंने उनके प्रेरणा स्वरूप उन्होंने भी बहुत संज्ञान में लेकर इसको किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो पाया। मैं पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नारी शक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, ये माना जाता है कि फीमेल्स आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्या आप सबको यही लगता है? नो, बिंगो, यस, एंड लाइक दैट। आज नारियां जितना कर रही हैं वो लड़कों से कहीं आगे चली गई हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है तो सिर्फ वही व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम किसी लड़की या नारी को शिक्षित करते हैं तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, उससे पूरा समाज शिक्षित होता है और पूरे देश का नाम आगे जाता है। सो बिग चीयर्स। Thank you.
ये हमारे पुलिस लाइन के जो महिला रिक्रूट आरक्षी गण हैं या घरैया लाइन के जो है हमारे परिवार हैं पुलिस से संबंधित, उनका हेल्थ चेकअप के लिए जो है एक कैंप जो है आईएमए के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें समस्त जो है हमारे रिक्रूट महिला आरक्षियों का या घरैया लाइन के जो हमारे महिलाएं हैं उनका जो है चेकअप होगा, जिससे कि वो अपने जो है लाइफ को और अच्छे तरीके से जो है स्वस्थ रख सके और किसी प्रकार की कोई समस्या है भी तो उसका भी निराकरण किया जा सके और समय पे उसका इलाज कराया जा सके। हमारे जो आईएमए के सारे सम्मानित सदस्य और अध्यक्ष साहब आए हुए हैं तो पूरी टीम जो है जो हेल्थ के टिप्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया और सभी का जो है हेल्थ कार्ड एक जो है बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी, यदि कहीं कोई जो है बात आती है तो सारी प्रीवियस हिस्ट्री जो है देख करके आगे कोई डॉक्टर से अपना जो है उसमें रिकमेंडेशन करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कैसे जो है लाइफ को की प्रत्याशा है जो आगे बढ़ाई जा सके उसके बारे में भी चर्चा की गई और सभी डॉक्टर साहबान जो है जो पुलिस के कार्य हैं उसकी उन्होंने जो है बहुत अधिक जो है सराहना भी किए और आईएमए के अध्यक्ष साहब भी हैं तो उन्होंने जो है जो पुलिस के दायित्व हैं किस तरह से फ्रंट लाइन में रह करके पुलिस ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, किस तरह से चिकित्सकों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया तो वो उसके बारे में भी चर्चा की गई। आईएमए के द्वारा जो है अभी एसपी साहब ने जो है हम लोगों से इस तरह का एक निर्देश जारी किया कि भाई हमारे जो नए रिक्रूटीज आ रहे हैं उनका जो है एक तरह से एक हेल्थ कार्ड टाइप की चीज़ बना दी जाए कि अगर किसी को थोड़ी भी कुछ ऐसी समस्या हो तो उसका निराकरण हम लोग एक उनको आइडेंटिफाई करके उनका निराकरण कर सकें। तो ऐसे में जब भी हम लोगों ने जब चिकित्सकों के ऊपर कोई समस्या आती है तो हमेशा हम लोग भी पुलिस की तरह से कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये नहीं होता है कि जो है अगर एक बजने में 5 मिनट बाकी है और कोई मरीज आ गया तो हमें उसका इलाज नहीं करना, उसको करना ही है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम एक अच्छा नहीं भैया मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता। इसी तरह से जैसे इन लोगों का भी होता है कि भाई हर रात दिन 24 घंटे बेचारे किस समस्या से गुजरते हैं, अगर उनके साथ कोई रह के देखे तो निश्चित तौर से उन चीज़ों का अनुभव कर पाएगा। अभी हाल में हमारे चिकित्सकों के साथ एक चिकित्सक बंधु के साथ लूट की घटना हुई, आपको आपके संज्ञान में होगा, और उस संदर्भ में हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिले और एसएसपी साहब ने बहुत पॉजिटिव वे में हम लोगों को समझाया कि निश्चित तौर से इसका निराकरण बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी इस कार्य का उन्होंने पर्दाफाश करवाया। मैं एसएसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्होंने ये इस चीज़ को संदर्भित किया कि हमारे मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को संज्ञान में लिए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को सदैव प्राप्त होता रहता है गोरखपुर के होने के नाते, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब उनके साथ मैं एसएसपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस लूटकांड का बहुत जल्दी पर्दाफाश करके हम चिकित्सकों को एक बहुत सांत्वना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।